तो बच्चों आज हम करेंगे नेक्स्ट जो है आपका वो है स्लाइड वायर ब्रिज। ओके सो स्लाइड वायर ब्रिज ठीक है। सो स्लाइड वायर ब्रिज और इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। ओके स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। सो ये बेसिकली प्रैक्टिकल फॉर्म है आपका, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि जब आपका वो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो ज़ीरो हो जाता है तो जो पी वाई क्यू है वो इक्वल टू क्या होता है आर वाई एस ठीक है। सो इसको हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं ठीक है, और इसको बोलेंगे मीटर ब्रिज। ओके सो बेसिकली इसमें होता क्या क्या है ये देखेंगे। सो इसे करते क्या हम, इससे दिस इज सिंपली यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, used to find unknown resistance, okay। और इसमें वही है कि आपको नॉन रेजिस्टेंस होंगे ठीक है। नॉन रेजिस्टेंस मैंने बताए थे पी क्यू आर वेरिएबल होगा और एस जो है वो अननोन होगा। दीज आर नोन, दिस इज वेरिएबल, और वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलेगा ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। ओके सो अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल इसका वही है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आर बाई एस। ओके सो वहाँ पे पी और क्यू नॉन रेजिस्टेंसीज हैं और आर वेरिएबल है, एस अननोन है। तो एस को पता करना है यहाँ से, तो एस और पी आपस में जगह चेंज कर लेंगे तो ऐसे यहाँ से आप निकाल सकते हैं ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपका वो है इस ब्रिज में होता क्या क्या है। सो कंस्ट्रक्शन टाइप इसकी क्या, सर्किट डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली इसमें एक वुडन बोर्ड के ऊपर ठीक है, एक वुडन बोर्ड के ऊपर एक 1 मीटर लंबी वायर, 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर, और उसके बिल्कुल पैरेलल एक मीटर स्केल बनाई जाती है यहाँ पे ऐसे मीटर स्केल ठीक है। बुलेट बोर्ड के बिल्कुल पैरेलल एक मीटर स्केल फिक्स की जाती है, ये होती है इसमें। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये जो मैंने ऐसे बनाई ये ठीक है। अब इसके बीच यहाँ पे लगाना है वो रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने बोला था एरो लगाएंगे यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे वो रेजिस्टेंस जो हमने पता करना है अननोन रेजिस्टेंस, ये है वो एस ठीक है। सो ये है वो 100 सेंटीमीटर लेंथ की कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन से बनी वायर ठीक है, ये इस वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स की होती है। वुडन बोर्ड के ऊपर एक मीटर स्केल भी लगा होता है जो पैरेलल टू इस वायर होता है। ओके सो इस एंड को आप ए बोल देते हैं इसको, और दूसरा एंड वायर का इसको बी बोल देते हैं ठीक है, ये भी आ गया। सो यहाँ से फिर आपने एक सेल लगाना है यहाँ पे, फिर सेल लगा दिया और यहाँ की लगा देनी है। की का मतलब स्विच चाहिए सिंपली ऑन ऑफ करने के लिए ठीक है। सो ये आ गया। सो ये पॉजिटिव पोल है आपकी सेल का, ये नेगेटिव है, और ये मैप सेल से ई मिल रहा है सपोज ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन देख लें सर्किट डायग्राम में, ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं यदि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये
यहाँ कर्सर चल रहा है, ये ऐसे, ये देखो ये दूसरी और ये तीसरी है, ये तीसरी, ठीक है, ये तीन आ गई, तीन कॉपर स्ट्रिप्स हैं। ये देखिए एक बार फिर, ये कॉपर स्ट्रिप नंबर वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। तो तीन कॉपर स्ट्रिप्स से दो गैप मिल रहे हैं। देखो तो ये गैप है, फर्स्ट गैप, दिस इज सेकंड गैप। फर्स्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे जहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगा, और सेकेंड गैप में आप अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कोई वायर होगी, रेजिस्टेंस वायर होती है लैब में, वो लगाएंगे यहाँ पे। इसका रेजिस्टेंस हमने पता करना है बेसिकली, और फिर इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस, यदि अननोन रेजिस्टेंस पता कर लिया तो इस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो प्रैक्टिकल है बेसिकली, ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए की है, सर्किट को ऑन ऑफ़ करना है, ठीक है, अभी ऑफ है आपका सर्किट, ठीक है। सो ये सेल लगाया हमने, और यहाँ पे ये जो है ये मेन चीज़, ये जो वायर आपको दिख रही है, देखो जहाँ कर्सर चल रहा है, ये 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर होती है, 1 मीटर लेंथ की, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटन से बनी होती है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन से, ठीक है, और इसके पैरेलल 1 मीटर स्केल दिख रही है आपको ये, ठीक है। सो ये जो कॉन्स्टेंटन मैंगनीन से क्यों बनी होती है, क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि सिंपली कॉपर से क्यों नहीं बनी है, बिकॉज इसका जो अल्फ़ा है वो क्या होता है, मैंने बताया था इसका अल्फ़ा है स्मॉल बट पॉजिटिव बट स्मॉल है, ठीक है। इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, मॉडरेट चेंज होता है इसके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से, ओके। सो अब हम इसमें ये करेंगे कि करना कैसे है, ठीक है। सो करने के लिए आपने यहाँ पे अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। क्लोज़ दी की, जैसे हम की को क्लोज़ करेंगे, यहाँ थोड़ा सा रह गया, यहाँ एक टर्मिनल टी होता है अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक टर्मिनल टी होता है जी, ठीक है। इसके इसको आपने ग्लोवेनोमीटर से जोड़ना है, ग्लोवेनोमीटर कनेक्ट करेंगे ऐसे, जी आ गया ग्लोवेनोमीटर, और फिर ग्लोवेनोमीटर को एक लंबी वायर लगा के आपने ये चौकी से कनेक्ट कर देना है, ये है वो आपकी चौकी, ठीक है, चौकी लैब में देखेंगे आप। सो टर्मिनल टी इज़ कनेक्टेड टू चौकी थ्रू ग्लोवेनोमीटर, ओके। अब ना वो देखो इसको कैसे वर्क करेगा, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज द की, सर्किट में करंट आएगा, ग्लोवेनोमीटर दिखा देगा, ग्लोवेनोमीटर में जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब ग्लोवेनोमीटर दिखाएगा कि सर्किट में करंट आ गया, ठीक है। सो मान लो ग्लोवेनोमीटर में जो करंट है वो है, उसकी वैल्यू है आई जी, करंट इन ग्लोवेनोमीटर, ओके। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ से आपने इसकी टेस्टिंग करनी है पहले। तो जैसे आपने सर्किट ऑन किया, आप जॉकी को यहाँ टच करेंगे एंड ए पे, इस वायर पे यहाँ, इस जॉकी को, और फिर एंड बी पे टच करेंगे इस जॉकी को यहाँ पे, एंड ए पे टच करने के बाद यदि ग्लोवेनोमीटर में ऐसे होता है, देखो ग्लोवेनोमीटर में ये बीच में ऐसे जीरो होता है, यहाँ लिखा हुआ है ये नीडल है, यदि ये आपकी नीडल लेफ्ट साइड को जाती है, कहाँ टच किया, ए पे टच किया जब, तो लेफ़्ट को डिफ्लेक्शन हुआ, और जब बी पे टच किया तो डिफ्लेक्शन राइट को होना चाहिए, इससे आपको ये पता लगता है कि आपके जो कनेक्शन हैं वो ओके हैं, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो फिर आपके जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, ओके। सो उसके बाद फिर आपने ये, अब आपने यहाँ से आर की वैल्यू को एडजस्ट करना है, आर की वैल्यू को एडजस्ट करिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस से आर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 100 ओम, जितना मर्जी। इसकी वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद आपने इस ग्लोवेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो कर देना है, मतलब जो आई जी की वैल्यू है वो आपने जीरो कर देनी है। जैसे आई जी की वैल्यू जीरो होगी, और एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, यहाँ से ग्लोवेनोमीटर में आप रीडिंग देख रहे हैं, करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस टाइम आप जॉकी को भी वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। जॉकी यहाँ स्लाइड करना आपने कुछ नहीं होता, जॉकी में ऐसे टच कर, जैसे कर्सर टच हो रहा है, ऐसे जॉकी में आपने जॉकी, मान लो ये कर्सर ही जॉकी है, तो टच कर रहा हूँ मैं, टच कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, और रेजिस्टेंस को भी चेंज कर रहा हूँ, आई एम स्लाइडिंग द जॉकी ओवर द वायर एंड आई एम ऑल्सो चेंजिंग द रेजिस्टेंस, देन स्टेज कम्स फाइनल डिफ्लेक्शन इन ग्लोवेनोमीटर बिकम्स जीरो। सपोज इस पॉइंट पे आके जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ
इस पॉइंट पे मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और जब मेरी जॉकी की पोजीशन मान लो इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट जे पे, तो जे पोजीशन पे जैसे जॉकी पहुंची, आपकी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, सो उस टाइम ये आपकी लेंथ कितनी है यहाँ एंड ए से, एंड ए से लेंथ है आपकी ए से लेके जे तक ये ठीक है। तो ए जे जो है उसको आप एल बोल देते हैं, ए जे को हम एल बोल देते हैं। ठीक है, सो ए जे हो गया आपके पास एल। तो ये बताओ मेरे को जो ऊपर एक जे बी बचा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जे बी बचा 100 माइनस एल, बिकॉज टोटल 100 सेंटीमीटर लेंथ है स्क्वायर का। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान सुनेंगे एक बार फिर, कि मान लेते हैं एल एट जे बी दी पोजिशन ऑफ जॉकी, जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो गया, जीरो। उस टाइम ए जे जो लेंथ थी उसको मैंने क्या मान लिया, एल। जॉकी यहाँ रुकी हुई है आपकी, मतलब जॉकी को हम स्लाइड कर रहे, जैसे जॉकी यहाँ थी तो करंट जीरो नहीं था, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से भी चेंज भी कर रहे हैं आप रेजिस्टेंस को। जैसे जैसे आप जे पे पहुंचे तो आपने देखा कि हाँ गैल्वेनोमीटर में जो करंट था वो क्या हो गया, जीरो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में करंट यहाँ जीरो हो गया, और जॉकी की पोजीशन क्या थी, जे थी। तो ए जे इज इक्वल टू एल एंड जे इज इक्वल टू 100 माइनस एल। ठीक है, सो क्वेश्चन ये आर और एस तो आपको दिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि पी और क्यू कहाँ है। तो पी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ ए जे है, यहाँ से यहाँ तक, इस ये है पी आपका बेसिकली, इस वायर का रेजिस्टेंस है पी, और जो जे से पी तक बची ये क्या है, क्यू है। ठीक है, सो पी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ कितनी, एल। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, एंड जो आपका क्यू है वो बेसिकली, क्यू जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 100 माइनस एल। ठीक है, सो आपको पता ही है कि जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ, पढ़ा है आपने, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपका जो है ये आ जाएगा, देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, ये आपको पता है। ठीक है, देयर फोर इसमें जाओ, पी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। ठीक है जी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली क्यू उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल हो गया। ठीक है, तो इसको आप 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, सो डिवाइडिंग 1/2 कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन व्हाट, 100 माइनस एल, ये आएगा ना। ठीक है, इसको 3 बोल देते हैं, बट पी वाई क्यू जो होता है जब ब्रिज बैलेंस होता है तो जो पी वाई क्यू होता है वो उसके इक्वल होता है आर अपॉन एस के। ठीक है, तो यूजिंग 4 इन 3, तो पी वाई क्यू आई फ्रॉम 3 एंड 4, बट यू विल गेट, यू विल गेट दिस, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, दिस इज फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ से एस निकाल लो, बिकॉज एस निकालना ही हमारा टारगेट है, तो एस इज इक्वल टू एस इधर चला जाएगा, 100 माइनस एल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको उल्ट कर लो पहले, एस अपॉन आर क्या हो गया, यहाँ से 100 माइनस एल अपॉन एल हो गया। ठीक है, सो यहाँ से आप एस निकाल सकते हो, और एस इज इक्वल टू ये जो आर है इधर चला जाएगा, सो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। सो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर व्हाट, दी फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस, जो इस अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो हमने विद हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज निकाल लिया। ठीक है, सो यही था इसमें सिंपल, कि आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली रखना ध्यान कि ये था देखो। ठीक है, जैसे जैसे की को क्लोज करेंगे गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा, करंट आएगा तो फिर आपने जॉकी यहाँ रख देनी है, और जॉकी को स्लाइड करना शुरू करना और रेजिस्टेंस को चेंज करना शुरू करना, जॉकी आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, गैल्वेनोमीटर में करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते जे पॉइंट पर जब जॉकी का पोजिशन था तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, उस टाइम जो ए जे लेंथ थी उसको एल मान लो, और जो आपकी दूसरी जे बी बची परे को वो कितनी बची, 100 माइनस एल। ठीक है,
सो अब पी उस वायर का डिस्टेंस मान लेना आपने जिसकी लेंथ ए जे है, मतलब जिसकी लेंथ एल है, और क्यू उस वायर का डिस्टेंस मान लेंगे जिसकी लेंथ हंड्रेड माइनस एल है। एज यू नो दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, देयर फॉर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हंड्रेड माइनस एल डिवाइडिंग, बट वी नो दैट पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, सो इन प्लेस ऑफ पी बाई क्यू यू कैन राइट आर बाई एस, राइट आर बाई एस एंड फाइंड एस। दिस इज द फॉर्मूला, ओके, दिस इज द फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, ओके। पोटेंशियोमीटर, सो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ईएमएफ मेजर करने के लिए, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो उसको हम यूज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली जो डिवाइस है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, ओके। और अब सीखेंगे कि इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, वेरी सिंपल, ध्यान से सुनेंगे इधर, प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर है, ये ऐसे मोटी पतली नहीं है, कहीं से भी एक जैसी है, इसकी लेंथ मान लो एल है, ठीक है। और चलो ऐसे बना लेते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इस वायर का वो है आपका ये, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये इसका ए है, ठीक है। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया मान लो वी, बैटरी से इसको जोड़ दिया हमने, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसके मटीरियल की जो है वो है मान लो रो, ठीक है। और इस वायर में जो करंट चल रहा है वो मान लेते हैं आई है, ठीक है। और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है। तो ये चीज़ें मैंने इस वायर के बारे में यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल में बेसिकली ये बोलता है प्रिंसिपल कि ये कॉन्स्टेंट करंट यदि इस वायर में से भेजा जाएगा जिसकी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, एंड कॉन्स्टेंट करंट इज पास थ्रू दिस वायर, देन किसी लेंथ पे, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लेंथ है इसकी, यहाँ तक एल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसकी किसी लेंथ पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन होगा। तो इस पोर्शन का लेंथ मैंने आपको बोल दिया कैपिटल एल सपोज, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, एंड पोर्शन की लेंथ यदि मैं एल बोलता हूँ तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये इसका प्रिंसिपल है। एक बार फिर, व्हेन कॉन्स्टेंट करंट इज पास थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन पोटेंशियल ड्रॉप और कैन से पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ओके। इसको यदि हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इसमें सिर्फ आपने सिंपल बोलना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन ओम्स लॉ से आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आर आई, और आर आपको पता है रो एल अपॉन ए होता है, ये आ गया, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी फिक्स है, ठीक है, और मैंने बोला कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी इसका यूनिफॉर्म है और ये करंट आई भी कांस्टेंट भेजना है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बचा एल, बाकी सारे यदि कांस्टेंट है, ठीक है। तो वी यहाँ से निकल आएगा के के एल, ठीक है। के इज कॉल्ड, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ से के निकालेंगे हम, के हो जाएगा वी अपॉन एल, ठीक है। सो इट इज सिंपली पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा बोल्ट पर मीटर, ठीक है जी, बोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल, वो हमने प्रूव भी कर दिया कि ओम्स लॉ लगा के और आर की वैल्यू पुट करके हमने आपको बता दिया। और यहाँ एक एक नया कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है बेसिकली ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, उसकी यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया, दैट इज वी, ठीक है, ठीक है। मतलब उसकी यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया उसको बोलेंगे के, ओके। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैंने सही यूनिट बता दिया आपको, इट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और फिर हम थोड़ा आगे चल रहे हैं तो हम बात करेंगे कि ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है इसके यूज़ क्या है, इसके यूज़ जो पोटेंशियोमीटर्स,
पहला यूज जो है इसका वो प्रैक्टिकल है, दूसरा यूज भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और पहला यूज जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, हर बार बोर्ड के पेपर में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यूज टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ओके, सो ये बड़ा सिंपल सा है, इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे जरा ध्यान से। सो इसकी सर्किट डायग्राम में फिर वैसे ही एक यूनिफॉर्म लेंथ की वायर, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वायर यहाँ 400 सेंटीमीटर लेंथ की मिलेगी आपको हमारी लैब में, और ये 1000 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है। इसका एक एंड ए बोल देते हैं, दूसरे एंड को बी बोल देते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम लगे हम बनाने अब, ठीक है जी। जी आपने यहाँ बैटरी लगा देनी है, फिर आपने एमीटर लगाना है। यहाँ एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करता है, गलवानोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा और स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट्स को भी मेजर भी कर देता है गलवानोमीटर, ठीक है। लेकिन एमीटर जो है वो करंट को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं इनके। पॉजिटिव जो रेड होता है वो पॉजिटिव रेड कलर में दिखेगा, वो पॉजिटिव होगा, और ब्लैक कलर में दिखेगा वहाँ मीटर में वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव। उसके बाद ये रियोस्टैट इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाएंगे एक, ये सिंबल होता है उसका, ऐसे लगाना है, ठीक है। ये आगे रियोस्टैट। सो रियोस्टैट के बाद फिर आपने यहाँ पे ये लगा देनी है, यहाँ पे की लगा दे सकते हैं आप, यहाँ पे ये लगा दी मैंने की, ठीक है, ये लगा दी। और यहाँ फिर एक मैंने बताया था कि यहाँ भी वैसे ही होता है जैसे स्लाइड वायर ब्रिज में होता है, कि एक मीटर स्केल पैरेलल टू लेंथ ऑफ वायर फिक्स की होती है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज मीटर स्केल, सो दिस इज योर मीटर स्केल, ओके। अब ये वायर फिर वही मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन की बनी होगी जो दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी होगी, सीधी रखनी है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपने जो दो सेलें हैं, जो दो मैंने ऊपर लिखी हैं, वो लगानी है यहाँ पे अंडे से, उसका पॉजिटिव पोल जोड़ना है आपने सेल का। ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, और दूसरे से आपने ऐसे, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इस सेल का ईएमएफ E1 है मान लो, E1, और इसका ईएमएफ E2 है। इनके ईएमएफ कंपेयर करने हैं आपने, ठीक है। और फिर आपने यहाँ टू वे की होती है भी, उसमें तीन कनेक्शन मिलते हैं, ऐसे होती है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ है तीसरा, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, और बीच वाले को 3 बोल देते हैं, ठीक है। ये ऐसे एक वायर से आपने इसको यहाँ जोड़ देना है ऐसे, दिस इज टू वे की। ये देखो, इसमें जो 1 2 3 हैं, ये यहाँ यदि मैं इसमें प्लग डाल दूंगा तो ये वाली सेल आ जाएगी सर्किट में, जिसका ये मैं V1 है। मैं जब प्लग में काट लूंगा 1 और 3 के बीच, ये 1 है, ये 3 है, तो ये वाली सेल सर्किट में आ जाएगी जिसका ये मैं V1 है, ठीक है, ये वाली। और जब मैं प्लग 2 और 3 के बीच में डालूंगा तो फिर ये वाली सेल सर्किट में आ जाएगी जिसका ई एम एफ V2 है, ठीक है। और फिर जो टर्मिनल 3 इसमें होगा, यहाँ से एक वायर डालनी है आपने, और उस वायर को आपने वही गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे यहाँ से, और फिर उस गैल्वेनोमीटर को आपने चौकी से जोड़ देना है, टर्मिनल 3 इज कनेक्टेड टू जॉकी थ्रू गैल्वेनोमीटर, ओके। तो ये थी आपकी सर्किट डायग्राम, इसकी ये की है, और ये रियोस्टैट है, इसको सिंबल RH बोलते हैं, ठीक है। रियोस्टैट का सिंबल है ये, रियोस्टैट से हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस ही मिलता है इससे भी, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ही मिलेगा इससे, ठीक है। सो ये है, आप इसकी वर्किंग सुनेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हमने वो लिख देना है आपने, कि ये जो ऊपर वाला सर्किट आपको दिख रहा है, ये वाला सर्किट जो है बेसिकली ये वाला, ये कांस्टेंट करंट भेजने के लिए जो होता है इस वायर में, ये जो आपको वायर दिख रही है, ये है वो वायर, ये देखो, ये
वायर लिख रही है। इस वायर में ये कांस्टेंट करंट भेजने के लिए यूज होता है, कौन, ये वाला सर्किट, ठीक है। मीटर से रीडिंग लग जाएगी, पता कितना करंट है, बैटरी और ये रियोस्टैट। रियोस्टैट से आप इसका स्लाइडर होता है इसके ऊपर, उसको आप आगे पीछे करके स्लाइडर को स्लाइड करके आप करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक फिक्स वैल्यू आपने कर देनी है शुरू में, फिर इस सर्किट को आप छूएंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। सो उसके बाद फिर आपने यहाँ प्लग डाल देना है, ये टर्मिनल वन और थ्री के बीच आपने प्लग डाल देना है। तो मैंने बताया आप देखो कौन सी सेल सर्किट में आ गई है, देखो ये जिसका ईएमएफ कितना है ई1, और दूसरी अभी कटी हुई है यहाँ से, यहाँ नहीं मैंने प्लग डाला हुआ है। प्लग का मतलब सिंपली स्विच है, एसी वाला स्विच ऑन कर दिया तो ये वाली सर्किट में आ गई। जब ये वाला हटा दूंगा मैं और ये वाला ऑन कर दूंगा तो ये वाली सर्किट में आ जाएगी नीचे वाली, ठीक है। सो अभी कौन सी आई है सर्किट में, ये पुट दी प्लग, इसकी ऑन कर दीजिए और पुट दी प्लग बिटवीन टर्मिनल्स वन एंड थ्री ऑफ टू वे की है ये सारी, ठीक है। तो सेल ऑफ ईएमएफ ई1 विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, ये सर्किट में आ जाएगी। अभी सर्किट में आ गई, उसके बाद आपने कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट इस सर्किट की वजह से यहाँ फिक्स कर देनी है। रियोस्टैट से इसके स्लाइडर को आगे पीछे करके एक जगह फिक्स कर दीजिए करंट की वैल्यू। सपोज आपने कर दी 1.25 एम्पीयर, तो फिक्स रखो उसको आप। उसके बाद आपने ऊपर नहीं छूना है आप। अब आपने क्या करना, जॉकी को यहाँ रखना, स्लाइड करना, जैसे स्लाइड पर ब्रिज में किया था। इस वायर के ऊपर जैसे कर्सर आए जॉकी है मान लो, तो कर्सर टच हो रहा है ऐसे ऐसे, और फिर गल्वेनोमीटर में आपने देखते रहना है यहाँ गल्वेनोमीटर में कि जो डिफ्लेक्शन करंट डिक्रीज होता जाएगा, और गल्वेनोमीटर में जब करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वहाँ रुक जाना। सपोज इस पॉइंट पे आके गल्वेनोमीटर में जो करंट है वो जीरो हो गया, और इस पॉइंट को बोल दो जे, जैसे वहाँ बोला था पहले, ठीक है। सो अब ये जो आपकी लेंथ है ए जे, इसको आप एल1 बोल दो, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपने अभी प्रिंसिपल पढ़ा इसका कि जे वी द पोजिशन ऑफ द जॉकी व्हेन करंट इन गल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो, ओके। सो एट दैट स्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए जे, तो आपका ए जे के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, वो कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे। तो ये बोलता है आपका प्रिंसिपल कि उस टाइम जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ए जे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे, ये बताया था मैंने। मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब गल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, उस टाइम जॉकी की पोजीशन क्या थी, वायर पे जे पे रुकी हुई थी जॉकी, है ना। तो ए जे जो वायर की लेंथ है वो मान लो L1, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो इन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस होगा वो वही होगा जो इस सेल का ईएमएफ होगा, वो कितना है E1। तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे, मैंने कितनी सपोज करी L1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने यहाँ से ये वाला प्लग यहाँ से हटा देना है, ये वाला यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और अब आप प्लग को नीचे वाले उसमें डाल दीजिए, यहाँ पे ये पुट दी प्लग बिटवीन टर्मिनल्स 2 एंड 3। अब देखो ये सेल E1 जिसका ईएमएफ था वो सर्किट से बाहर हो गई, अब कौन सी आ गई सर्किट में, ये हो गई बाहर, ये गई। अब ये आई सर्किट में जिसका ईएमएफ कितना है E2, रिपीट द प्रोसेस। कॉन्स्टेंट करंट वायर में भेज ही रहे हैं आप, ऊपर से फिक्स है, नाउ स्लाइड दी जॉकी, जॉकी को यहाँ लाइए दोबारा, और रिपीट करना जैसे पहले किया, जैसे सेल E1 जैसे जिस सेल का ईएमएफ E1 था उसके लिए किया, वैसे आप इसके लिए करेंगे E2 के लिए। यहाँ से शुरू करिए एंड ए से, जॉकी को बाहर स्लाइड कर रहे हैं, 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 और गल्वेनोमीटर में करंट डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचे, आपने देखा गल्वेनोमीटर में जो आपका ये मान लेते हैं ए जे डैश है, ये ठीक है, ए जे डैश बोल दिया इसको। तो इस ए जे डैश वाली जो लेंथ है ए से लेके जे तक, इसको L2 बोल दो, ए जे डैश तक, ठीक है, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच जो होगा, ए जे डैश के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए जे डैश के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे डैश होगा, और वो लेंथ कितनी है L2। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच होगा वो वही होगा जो इस सेल का ईएमएफ है, वो कितना है E2। तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, लेंथ ए जे डैश, और ए जे डैश कितनी लेंथ है L2, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दो, सो डिवाइडिंग 1 बाई 2,
तो विल गेट दिस नाउ, डिवाइड करेंगे तो विल गेट e1 अपॉन e2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल हो जाएगा, l1 अपॉन l2, तो ये हो गया। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा सेल के ईएमएफ्स का, वो जो आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ आई l1 l2 उनके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली पोटेंशियोमीटर की यूज, प्रैक्टिकल भी है करेंगे यहाँ से, प्रैक्टिकल भी करेंगे ये। तो एक बार फिर मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें हुआ गया। ठीक है, इसमें ये हुआ सिंपल कि जैसे हमने सर्किट ये कनेक्ट करा, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दिया यहाँ पे, तो की कौन किया, ठीक है, उस टाइम फिर आपने यहाँ प्लग डाल दिया और ये वाला कट है, उस टाइम आपने शुरू में भी चेक करना है कि यहाँ पे यदि मैं जॉकी को रखूँगा एंड ए पे, तो गलवानोमीटर ऐसे है, गलवानोमीटर में वही जो मैंने स्लाइड वाइज में बताया, गलवानोमीटर में ऐसे जीरो होता है ऊपर, ठीक है, जब मैंने जॉकी को ये पॉइंट पे रखा तो डिफ्लेक्शन आएगी गलवानोमीटर में, वो आनी चाहिए लेफ्ट साइड को, ठीक है, और यदि लेफ्ट या राइट जहाँ भी आएगी वो एक तरफ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रखा तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, पॉइंट बी पे मैं टच करूँगा तो यू विल फाइंड डिफ्लेक्शन, इसके अपोजिट हो जाएगी ऐसे, मतलब कनेक्शन आपके ओके। और फिर शुरू में जैसे ही आपने यहाँ की ऑन कर दी, ये प्लग भी आपने डाल दिया 1 और 3 के बीच, उस टाइम आपने जॉकी को ए पे रख के ये देखना कि डिफ्लेक्शन गलवानोमीटर में यदि लेफ्ट साइड को है तो पॉइंट बी पे जॉकी को रखने के बाद ये से उठा के फिर पॉइंट बी पे रखना, और फिर देखना डिफ्लेक्शन राइट साइड को हो जानी चाहिए, ये पहले लेफ्ट को थी तो क्या हो गया, राइट साइड को हो जानी चाहिए, तभी आएगा नल पॉइंट बीच में। नल पॉइंट का मतलब है कि जब डिफ्लेक्शन गलवानोमीटर में जीरो हो गया, उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, नल पॉइंट एंड न्यू डबल आर नल पॉइंट, ठीक है, बैलेंस पॉइंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सो इसमें कुछ नहीं किया, पहले ये वाली सेल सर्किट में आई, ठीक है, और कॉन्स्टेंट करंट यहाँ से भेजा गया, और जबकि कोई इसे लेके जैसे जाके स्लाइड करते कि गलवानोमीटर में करंट डिक्रीज होता गया और डिक्रीज होता गया, होता गया होता गया होता गया, और फिर जैसे जे पे पहुंचे करंट गलवानोमीटर में क्या हो गया, जीरो हो गया, देखो, ठीक है। और फिर हमने ये वाली हटाई, और उस टाइम फिर मैंने बताया कि जो ईएमएफ होगा, जो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1 होगा ये वाला, ठीक है, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वो ये जो सेल का ईएमएफ है, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। फिर हमने ये वाला हटा दिया और दूसरे वाला यहाँ प्लग डाल दिया, तो आप ए सेल सर्किट में आ गई और रिपीट किया प्रोसेस को, तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जे डैश पे आई, गलवानोमीटर में करंट जीरो हो गया, ठीक है, तो ए जे डैश को हमने बोल दिया L2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा, तो E2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, L1 अपॉन L2। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका कि इसी का जो दूसरा रूप है वो है कि By using potentiometer, जो इसका सेकेंड यूज है, how will you find? By using potentiometer, how will you find? Unknown resistance of a cell. तो इसका दूसरा यूज है to find internal resistance of a cell. तो दूसरा इसका यूज है कि इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। अब इसके लिए जो सर्किट है बेसिकली वो पुराना ही है, उसमें कुछ ज़्यादा थोड़ा सा फर्क है वो हम कर लेंगे अभी, ठीक है। सो यदि मैं पीछे जाऊँ तो फिर ये वाला जो आपका सर्किट था, ये वाला जो आपका सर्किट था वो बेसिकली ठीक है, ये वाला जो सर्किट था वो ये था आपका, ये ऊपर वाला सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा,
ठीक है, नीचे सिर्फ यहाँ हमने एक सेल लगानी है दो की जगह, ठीक है, और जो सेल लगानी है वो उसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी हम कनेक्ट करेंगे और एक की लगाएंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा K2, इस की को हम K1 बोल देंगे और इसको फिर K2 बोल देंगे, ठीक है। सो चलो इसको नए सिरे से ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम, ठीक है। सो ये वाला होगा आपका सर्किट, देखिए जैसे हम बना रहे थे। सो ये आगे जैसे वो वायर थी आपकी, ये है 400 सेंटीमीटर लेंथ की। सो ये बी पॉइंट है और ये इसका ए है, ए एंड है और ये दूसरा एंड बी है, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने बताया कि बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में आ जाएगा मीटर, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे कनेक्शन दिए थे। ये वाला सर्किट सेम ही रहेगा, ठीक है। ये रियोस्टैट RH बोला इसको, और यहाँ फिर मैंने बोला कि ये की आपने लगा देनी है K1, ठीक है जी, और फिर यहाँ ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा था मैं कि मीटर स्केल भी होती है, वो मैंने बताया आपको कि वो पैरेलल टू लेंथ फिक्स की होती है, ये तो है ही, ठीक है, ये मीटर स्केल तो है ही, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने वो वाली सेल लगानी जिसका ये मैं पता करना है, ये लगा दी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने ये की लगा देनी है यहाँ पे, यहाँ पे लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसको ये लगा दिया और यहाँ लगानी वो की जो बता रहा था मैं, यदि इसको हमने K1 बोला है ना इधर K1, तो इसको आपने बोलना है K2, ठीक है ये। और फिर ये यहाँ ऐसे ये लग गई, ठीक है जी। और फिर यहाँ से आपने एक वायर और डालनी, और फिर वही जो बार बार कर रहे हैं गलवानोमीटर को, और गलवानोमीटर से फिर चौकी को, ठीक है। तो ये आपका सर्किट एडिशनल, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा और ये की लगा एडिशनल, ये जो सर्किट इधर दिख रहा है ये कांस्टेंट करंट भेजने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बाकी वायर वैसे ही है ये देखो। सो ये जो की आ गई आपकी, ये स्लाइड करनी है वायर पे, ठीक है। सो इसमें पहले तो वैसे ही करना जैसे किया कि इस सेल के लिए जो इस सेल का ई एम एफ है, सपोज कर लेते हैं ई है, ई के लिए आपने पहले बैलेंसिंग लेंथ पता करनी है, तो कुछ नहीं कांस्टेंट करंट भेजिए यहाँ से, रियोस्टैट के स्लाइड को एडजस्ट करिए और इसमें फिक्स कर दीजिए वैल्यू करंट की, जॉकी को यहाँ रखिए, ठीक है। और ये K2 शुरू में ऑफ रहेगी, K1 ही क्लोज होगी, ये आपने क्लोज कर दी, बाकी इधर नहीं आपने अभी कुछ नहीं करना है, ये ऑफ ही है। सेल अभी सर्किट में आ चुकी है देखो, ठीक है, नीचे जो है ये अभी ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आया अभी सर्किट में, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। सो शुरू में पुट दी प्लग या मतलब क्लोज की K1, कैप्ट K2 ओपन रखना है, ठीक है। एंड सेंड कॉन्स्टेंट करंट थ्रू दी वायर विद हेल्प ऑफ दी सर्किट, देन पुट दी जॉकी एट एंड ए एंड स्लाइड इट, नाउ आई एम स्लाइडिंग दी जॉकी एंड गैल्वेनोमीटर में करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते 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 इस पोजीशन पे जब जॉकी पहुंचा तो करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो गया, तो मान लो पोजीशन जे था, ये बार बार बोल रहे हैं दिस इज अगेन जे, ठीक है, ये जे पोजीशन है, ठीक है। और फिर इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो मान लो लेंथ आपकी L1 है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का ई एम एफ ही होगा, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो पहले भी किया हमने, बिल्कुल वैसे ही करना है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेसिकली नेक्स्ट है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने कुछ नहीं करना है, जो की के टू आपको दिख रही है इसको आपने, की के टू को आपने अब यहाँ क्लोज कर देना है, की के टू आपने यहाँ क्लोज कर देना है ये। सो यहाँ प्लग होगा तो प्लग डाल देना है, तो की के टू आपने क्लोज कर दी, ठीक है। और जैसे आपने इसको क्लोज किया, अब आपने फिर वैसे ही रिपीट करना है, की के टू नोज क्लोज्ड, अब ये रेजिस्टेंस भी आ गया सर्किट में, ठीक है। फिर आपने यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से बाहर निकालना, मतलब इंट्रोड्यूस करना कुछ रेजिस्टेंस सर्किट में, 20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, इतना जैसा रेजिस्टेंस आपने सर्किट में इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है, एक वैल्यू अपने इंट्रोड्यूस कर दी, फिर आपने रिपीट करना, नाउ स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर, पुट द जॉकी हियर, सेंड द कांस्टेंट करंट, वो वैसे ही है, कांस्टेंट करंट वायर में जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वायर में जा रहा है, आप जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दूसरे केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है आपकी, वो जो है इस केस में ये आएगी, स्लाइड जॉकी ओवर द वायर, स्लाइड, एंड अब जो बैलेंसिंग लेंथ है ये आएगी, देखो ये थोड़ी सी कम आएगी इससे, ठीक है जी। ये मान लो आ गई J डैश,
और ए जे डैश को फिर आपने एल टू बोल देना है ना। ए जे पहले यहाँ तक था, ये दिस वाज जे, ए जे ये शुरू में जो बैलेंसिंग लाइन थी वो ए जे थी ना, ये था 5 पॉइंट। सो अब जो बैलेंसिंग लाइन आई वो ए जे डैश आई, कम आएगी। अब इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने पढ़ाया था आपको, वो ई से थोड़ा सा लेस होता है। तो यदि ये एल वन था तो ये कितना आ गया भाई, एल टू। ठीक है, एक बार फिर जैसे ही आपने की के टू को क्लोज किया, जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया और बैलेंसिंग लेंथ पता करी, तो वो बैलेंसिंग लेंथ ए जे डैश आई, मतलब जे डैश पे जाके जब जॉकी जे डैश पे जब जॉकी पहुंची तो उस ट्रायंगल ऑर्नेटर रिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ऑर्नेटर रिफ्लेक्शन क्यों हो गया, उस टाइम जीरो हो गया। इसका मतलब कि इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए जे डैश के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए जे डैश होगा, और ए जे डैश लेंथ मैंने कितनी मानी, एल टू। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई एम एफ नहीं होगा, वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो थोड़ा सा कम होगा इससे। ठीक है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू हो जाएगा, ए जे डैश जो लेंथ है वो एल टू है, उसको आपने टू बोल देना, डिवाइडिंग वन बाई टू। दिस ई अपॉन वी इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। ठीक है, इसको तीन बोल देते हैं, दिस इज से थ्री। सो आगे यदि हम चले तो यहाँ से बिना दैट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, हमने फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू, ये आता है आपका ई अपॉन वी, ये ड्राइव किया था हमने फॉर्मूला, आपको याद होगा शुरू में पहले चैप्टर में। तो और कितना रेजिस्टेंस आपने इंट्रोड्यूस किया वहाँ से आर, तो वो वाला ही, ये जो रेजिस्टेंस आपने इंट्रोड्यूस किया यहाँ ये वाला, मैंने बोला यहाँ से आपने कुछ 20-30 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना सर्किट में, जैसे कि के टू को ऑन करेंगे वो है यार। ठीक है, अब ई और वी की वैल्यू, ई पॉन वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई पॉन वी की जगह हम लिख सकते हैं एल वन पॉन एल टू। सो यू विल गेट दिस नाउ यूजिंग थ्री, ये थ्री है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एल वन अपॉन वट वी एल टू माइनस वन इन टू आर, तो ये आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऐसे पता करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी आगे याद रखेंगे। सो बच्चों, अभी जो हम स्लाइड वायर ब्रेजर पोटेंशियोमीटर कर रहे थे उसके जो नोट्स हैं अब उनको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये है आपका स्लाइड वायर ब्रिज, और इसमें मैंने बताया आपको कि इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली पी वाई क्यूज आर वाई एस एस इसमें निकालना होता है आपको। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायरस को यूज़ करके निकालेंगे हम। ओके, प्रैक्टिकल है एक्चुअली ये। सो यदि हम आगे चलें तो फिर इसका मैंने आपको ये बताया सर्किट डायग्राम। ठीक है, अभी सर्किट डायग्राम में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ये देखो कॉपर स्ट्रिप्स लगी हैं, दूसरी स्ट्रिप ये तीसरी, तीन कॉपर स्ट्रिप्स हैं 1 2 3, और ये दो गैप्स मिल रहे हैं इनके बीच। ये देखो पहले गैप में आपने अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, और दूसरे में आप अननोन रेजिस्टेंस एक वायर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस पता करना है। फिर मैंने बोला टर्मिनल टी है यहाँ, ये देखो, और इससे फिर गैल्वेनोमीटर को देंगे कनेक्शन, और फिर जॉकी को, ये है वो जॉकी, और जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, सो जो जो मैंने बोला वो आपको यहाँ पे लिखा गया सारा कुछ। ओके, सो फिर आपने यहाँ से इस वायर का अननोन रेजिस्टेंस जो है वो ये निकाल दिया। ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट किया कि पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर मैंने बताया कि इसमें जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है प्रिंसिपल, इसका हमने लिख दिया। सो ये लिखा, जब कांस्टेंट करंट किसी वायर में भेजेंगे और उस वायर जो है वो यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप एन अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। फिर यहाँ एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आया कि उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको इवेंट मैंने बताया वोल्ट पर मीटर। ओके, और फिर इसका प्रिंसिपल हमने प्रूव किया ओम्स लॉ लगा के, आर की वैल्यू पुट करी आपने। ठीक है, फिर हमने दो सेलों का ई एम एफ कंपेयर किया वाई यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। सो ये वो सेल थी पहले, ये दूसरी थी, फिर मैंने बताया टू वे की है, फिर इसका जो तीसरा टर्मिनल है वो गैल्वेनोमीटर को देते हैं, फिर जॉकी को देते हैं। तो पहली के लिए बैलेंसिंग लेंथ ए जे आई, और दूसरी के लिए ए जे डैश आई है, देखो ये। ठीक है, और ये कांस्टेंट करंट भेजने के लिए सर्किट यूज़ होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी हुआ वो यहाँ पर लिखा गया सारा। ठीक है, और फिर आपने ये सारा डिटेल यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया इसमें वही लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है। देखो पहले केस में जो बैलेंसिंग लेंथ थी वो आपकी एल वन आई थी, तो फर्स्ट सेल का जी एम एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन,
और दूसरे केस में आपकी L2 आई थी, और सेकंड जो सेल है उसका जो ये बेल है उसका जो EMF है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, फिर आपने इंटरनल स्पिन का रेशियो ले लिया, तो रेशियो जो है आपको वो आ गया यहाँ से, देखो ये आ गया। सो फिर हमने बात करी कि ये आपका E1.E2 = L1.L2 आ गया, कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम सेल का पता करते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो उसके लिए क्या सर्किट लगाएंगे। फिर मैंने बोला कि इसमें एक सेल ये EMF E है इसका, और फिर आपने नीचे दूसरी सेल हटा के एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ और की K2 लगानी है, मैंने बताया आपको अभी वीडियो में, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करना, जॉकी को स्लाइड करना बाहर पे, और फिर यू विल फाइंड कि पहले केस में जो सेल का EMF है वो कितनी लेंथ पे जाके बैलेंस हुआ, L1 पे, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। और दूसरे केस में मैंने बताया कि जैसे ही आप की K2 को ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे की K2 को यहाँ क्लोज कर देंगे और फिर बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, AJ- आएगी वो, AJ- ये देखो कम आई, पहले केस में थोड़ी ज़्यादा आई थी AJ, ठीक है, देखो AJ ज़्यादा है और AJ- कम है, ठीक है। और फिर दूसरे केस में जो लेंथ है बैलेंसिंग वो L2 आई AJ-, ठीक है, और AJ- आने के बाद फिर मैंने बताया आपको कि ये देखो L2, ठीक है। तो अब जो A और J- के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो थोड़ा लेस होता है E से, ठीक है। तो फिर वो जो बैलेंसिंग लेंथ L2 है, दैट लेंथ इज फॉर व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, फिर यहाँ से आपने E/V कर दिया L1/L2, और फिर उस फॉर्मूले में पता आपको पता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में इस चीज़ को आपने पुट कर दिया, E/V -1 × R, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, V1/V1 को आपने इस इक्वेशन से L1/L2 लिख दिया, तो ये आ गया, ठीक है। सो आगे है कि जो पोटेंशियोमीटर है आपका, जो पोटेंशियोमीटर है वो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो आपके ये है कि भाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड टू वोल्ट मीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, भाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड टू वोल्ट मीटर, भाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर किया जाता है इसको, प्रेफर्ड वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग EMF ऑफ ए सेल, टू मेजर या फॉर मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ ए सेल, ठीक है, EMF ऑफ ए सेल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में क्वेश्चन आता है। सो इसमें आपने सिंपल वहाँ आंसर लिखा हुआ मैंने अपने नोट्स में, कि सिंपल है कि जो पोटेंशियोमीटर अभी आपने पढ़ा उसमें सिंपल है कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड, बिकॉज इसमें हम देखते हैं कि कैल्वेनोमीटर में हमने करंट जीरो करना होता है, ठीक है, उस टाइम वो बैलेंसिंग लेंथ कितना आता है, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब नल डिफ्लेक्शन मेथड है तो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, इसका मतलब सेल से आप करंट भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तो जो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेसिकली EMF होगा, बताएं आपको ओपन सर्किट में है सेल मतलब, ठीक है। और ये आ गया आपका पोटेंशियोमीटर के केस में, या फिर पोटेंशियोमीटर रीड करेगा EMF, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड अपॉन व्हाट, नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट मींस इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल, मींस जो सेल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, EMF ऑफ सेल, ठीक है। अब वोल्ट मीटर की बात करेंगे, तो वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर जब आप कनेक्ट करेंगे इस सेल का EMF मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर विल ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सेल, देयरफॉर अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वो वी होगा, और वो थोड़ा लेस होगा ई से, ठीक है। और ये वी मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये आपने इसका डेरिवेशन भी कराया है कि ये जो वी होता है बेसिकली ये ई से लेस होता है, कितना लेस होता है, ई माइनस आई आर, आर जो अब इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का ये, ठीक है। तो ई नहीं रहा है देखो, माइनस हो गया इसमें से कुछ, तो थोड़ा सा काम होता है ई से। तो एक्यूरेट कौन हुआ फिर, एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर हुआ, क्योंकि उसने एग्जैक्ट वैल्यू पड़ी है मैप की, ठीक है। तो ये था इसका आपका क्वेश्चन। और जो आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़्यादा लेंथ वाला जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो लैब में मिलेगा आपको ये मिलेगा 400 सेंटीमीटर लेंथ होगी वायर की, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1000 सेंटीमीटर लेंथ वाला ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों ज़्यादा लेंथ वाला क्यों सेंसिटिव होता है? वो तो इसके प्रिंसिपल मैंने पढ़ा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ, सिंपल एल। तो वी इक्वल टू के अपॉन एल, यहाँ से के एल आ गया और तो के यहाँ से वी अपॉन एल आ जाएगा। इस के जो है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बड़ी लेंथ जिसमें वायर की लेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही एल बढ़ेगा यहाँ पे देखो तो के कम हो जाएगा, ठीक है। यदि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो यदि मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। वी और एल में यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आ जाएगा वी इधर को एल आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेंथ बढ़ाएंगे वी बढ़ेगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सिंपल। अब एक सिंपल एग्जांपल होगी, लेंथ ज़्यादा होने से के कम हो जाएगा, इन्वर्सली है। देखो के कम होने का मतलब है बेसिकली कि वो पोटेंशियोमीटर स्मॉल स्मॉल ईएमएफ्स को भी मेज़र कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ सिंपल सा, मान लो ऐसे इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कि मान लो ए वी की वैल्यू 5 है, 5 वोल्ट, और लेंथ आपके पोटेंशियोमीटर की सपोज कर लेते हैं कि ये है मान लो 500 सेंटीमीटर लेंथ है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो फिर के कितना आ गया बोलो, के आ गया आपका 0.01 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहीं आएगा कि ये आएगा ना, फिर ये 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है ये। सो यहाँ से आपका जो के है वो आ जाएगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब लेंथ बढ़ाइए जरा, अभी लेंथ मैंने 500 सेंटीमीटर ली थी, देखो, ठीक है। तो अब आपका के कितना आएगा, यदि मैं लेंथ पोटेंशियोमीटर की है 500 की जगह मैं 1000 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो अब इसको काटो जरा आप, तो आपके पास ये काटने के इसमें डेसिमल प्लेस में इसको बदलिए, तो 0.0 कितना आएगा, ये बोलिए 3 चाहिए ना, ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब देखो मेरे को ये बताओ कि अब जब आपने लेंथ ली 500 सेंटीमीटर, तो आपका यूनिट लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो आया 0.01 वोल्ट, मतलब यूनिट लेंथ है पढ़ा 0.01 वोल्ट। लेकिन जब मैंने लेंथ ली, ज़्यादा कर दी मैंने ली लेंथ 1000 सेंटीमीटर, तो यूनिट लेंथ ने ही कितना पोटेंशियल ड्रॉप, कितना पोटेंशियल डिफरेंस पड़ा बोलो, 0.005। तो देखो डेसिमल के दो प्लेसेस तक जा रहा था, अब कितने तक चला गया, 3 तक। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ, ये हुआ, समझाई बात। तो लेंथ बढ़ेगी तो मतलब के की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, के की वैल्यू कम होने का मतलब हो गया कि वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी फिर आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो रीड कर सकता है, और यू कैन से दी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस को भी वो मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल था, देखो लेंथ 500 थी तो उसकी यूनिट लेंथ ने इतना पड़ा, और जब लेंथ 1000 सेंटीमीटर कर दी तो उसकी यूनिट लेंथ ने इतना पड़ा, तो यूनिट लेंथ ही देखो अब कम पोटेंशियल डिफरेंस पड़ रही है, यूनिट लेंथ है वो कम ईएमएफ की वैल्यू भी मेज़र कर रही है, ठीक है, समझे बात मेरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़्यादा लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट होता है, मोर सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है वहाँ पे, नोट कर लें इसको। तीसरा है कि यदि मैं ग्राफ बनाऊँगा, अभी बताया मैंने ग्राफ वी और एल में, यदि मैं वी यहाँ ले लेता हूँ, एल मैं इधर ले लेता हूँ, और फिर मैं ग्राफ बनाऊँगा, मान लो ये ग्राफ ये आ गया देखो ऐसे, ठीक है। एक वायर थी जो एक्स थी, उसके लिए ग्राफ ये आया, वो एक्स नोट्स में या वो नहीं लिखा है, वो लिख लें, वो ओरिजिन नहीं लिखा है, ये बाई, ठीक है।
इसमें ये बताओ मेरे को कि कौन सा पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्यूरेट कौन सा है, बाई जिसकी वायर की लंबाई बाई है या जिसकी वायर की लंबाई एक्स है। ठीक है, अभी बताएं आपको कि इस केस में, बिकॉज सिंपली ऐसे समझ लो कि ये जैसे हम बताते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो वी इक्वल टू के एल के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो के यहाँ से वी पॉन एल हो जाएगा। ठीक है, तो वी पॉन एल दिस अपॉन दिस, बेसिकली ये स्लोप ही हो गया इस ग्राफ का। तो स्लोप किसका काम है, देखो भला ये स्लोप टेन थीटा होता है, और थीटा काम किस में लिए, बाई के लिए थीटा काम में जाता है, और थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है, देखो ये। ठीक है, तो यहाँ आपका ये आ गया, इसका मतलब स्लोप इस ग्राफ का कम है, तो इसके लिए के की वैल्यू भी कम हो गया। मैंने बताया जब के की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियोमीटर जो आपका वो स्मॉल ई एम एफ को भी मेजर कर सकता है, तो इसका मतलब लंबी वायर वाला पोटेंशियोमीटर कौन है, बाई ओ बाई, जिसके लिए ग्राफ जो है वी और एल में वो ओ बाई लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, समझे बात। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू वी पॉन एल, सो के की वैल्यू दूसरे वाले के लिए क्या है, कम है। ओ बाई के लिए के की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, ओ बाई के लिए कम आ रही है, ऐसे बोल दो ना कि बेसिकली वी और इस ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो टेन थीटा होगा, और वो स्लोप ही के बन जाएगा। ठीक है, सो स्लोप किसका काम होगा, जिसके लिए थीटा कम है, सो टेन थीटा होता है, तो इसके लिए ये देखो ये बाई ग्राफ के लिए स्लोप कम है, ओ बाई के लिए कम है, तो फिर के की वैल्यू भी कम है। के की वैल्यू कम है मीन्स वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा एक्यूरेट है। के की वैल्यू कम होने का मतलब भी बताया मैंने कि उसकी यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस या स्मॉल ई एम एफ को भी मेजर कर लेगी फिर। ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ पे कम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो के की वैल्यू लेस है, के इज लेस फॉर व्हाट, फॉर कर्व, कौन सा कर्व, फॉर ओ वाई कर्व, देयरफॉर पोटेंशियोमीटर बाई जो है पोटेंशियोमीटर जिसके लिए ग्राफ ओ वाई आया है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट्स में देख सकते हैं। ओके, सो ये आ गया आपका, उसके बाद है आपका कि ये क्वेश्चन था, और जो नेक्स्ट है आपका वो ये है कि जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है टाइम टी के लिए, तो जूल्स ने बोला कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो सिंपली अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, सपोज करंट आई फ्लोज टू दिस कंडक्टर फॉर टाइम टी, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट। कॉज का ये सिंपल कि ध्यान सुनेंगे कि जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है, यदि मैं इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ, बैटरी लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ऐसा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते कर जाएंगे, पॉजिटिव फील्ड की तरफ आएंगे ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करेंगे, पढ़ाया आपने, पहले पढ़ाया आपको ये। ठीक है, सो जैसे वो ड्रिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू एटम्स, काइनेटिक एनर्जी को एटम्स ऑफ द कंडक्टर को ट्रांसफर कर देंगे, एज ए रिजल्ट जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी एटम्स की वो बढ़ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। ठीक है, यदि वो इंक्रीज हो गई तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो कंडक्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, एवरेज इंक्रीज हो गया मीन्स कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई, समझे। ठीक है, सो जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब एक कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू एटम्स, एज ए रिजल्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। ओके, सो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए देखो दो लाइनें हैं सिंपल, तो ड्राइव करने के लिए अभी हम नेक्स्ट पेज निकालते हैं और इसको ड्राइव करते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक कंडक्टर है,
जिसका रेजिस्टेंस आर है, और ये आपने यहाँ इसको बैटरी से जोड़ दिया, वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड उसके क्रॉस आपने लगा दिया है वी, ठीक है। सो इसमें करंट आई चलेगा ऐसे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, मेरे को ये बताओ कि कितना चार्ज टाइम टी में भेजा गया यदि इसमें करंट आई है, क्यू इक्वल टू आई टी, समझे? बिकॉज आई इक्वल टू क्यू पॉइंट टी होता है, तो चार्ज सेंटीन टाइम टी हो जाएगा ये, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो आपकी बैटरी है उसने कितना वर्क किया इस चार्ज को कंडक्टर में ड्राइव करने के लिए। सो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, आपको पता है वी होता है डब्ल्यू वन क्यू, तो डब्ल्यू आपको पता है यहाँ से डब्ल्यू हो जाएगा वी क्यू, तो वर्क डन बैटरी हो जाएगा वी इंटू क्यू टू ड्राइव दिस चार्ज क्यू इन द कंडक्टर, ठीक है। सो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू भर देते हैं क्यू की आई टी, ठीक है। तो यही जो डब्ल्यू है वो आपको हीट के रूप में दिखेगा, कंडक्टर यहाँ से गर्म हो जाएगा, ये हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, एंड ये एक ये फॉर्मूला आ गया वी आई टी, तीन फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। वी की वैल्यू भर देंगे यहाँ, तो अब ये होता है आई आर, तो यहाँ मैं आई आर लिख दूंगा, तो ये बन गया आई स्क्वायर आर टी, ये बन गया आई स्क्वायर आर टी, यही था आपका ऊपर वाला जो, तो ये दूसरा हो गया आई और आर के रूप में हो गया, ठीक है। और ये जो तीसरा है, तो ये तीसरा और निकल जाएगा यहाँ से, एच इज इक्वल टू तो यहाँ से आई स्क्वेयर को एलिमिनेट कर दीजिए, आई होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ओम्स लॉ इसकी जगह लिखा मैंने, इनटू आर टी, एक आर कट जाएगा ये, तो बन गया वी स्क्वेयर अपॉन आर इनटू टी। तो तीन फॉर्मूले हो गए देखो ये आज के, वी आई टी, आई स्क्वेयर आर टी एंड वी स्क्वेयर अपॉन आर टी, वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी और आर में ही हो गया, आई और आर में ही हो गया, और वी और आई में हो गया, तीन चीज़ें हैं ना आपकी वी आई आर, तो तीनों में दो दो के तीन केस बनेंगे, देखो एक दो और ये। जब आपने आपसे पूछा आई और आर में तो आई स्क्वायर आर टी, जब पूछा आपसे बी और आई में वी आई टी, जब आपसे पूछा वी और आर में फर्स्ट और लास्ट, तो इट इज वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये हो गया आपके हीट प्रोडक्शन कितनी होती है किसी कंडक्टर में जिसका रेजिस्टेंस आर है टाइम टी में, जब करंट आई फ्लो करता है, ओके। सो नेक्स्ट है आपका कि यदि ऐसा है फिर तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। इलेक्ट्रिक पावर होता है सिंपली एनर्जी, पता है आपको, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका सिंबल पी है, इट इज सिंपली रेट एट विच वर्क इज डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट, ठीक है। और रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। सो रेट, रेट मीन्स सिंपली पावर इज सिंपली एच अपॉन टी, जो एच के तीन फॉर्मूले लिखे हैं आपने, वहाँ से आप टी से डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। पहला आया था आई स्क्वायर आर बताया मैंने, वी आई बताया, और तीसरा बताया था वी स्क्वायर अपॉन वट, ये तीनों नहीं भूलने आपने, बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों। टी हटा दिया तो पावर बन गई, मतलब टी लगा दिया तो बन जाएगी आपकी एनर्जी है हीट, और टी हटा दिया तो पावर बन गई, ठीक है। वो तीन फार्मूले हैं, और ये लास्ट वाला फार्मूला जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है उसके लिए लगेगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है जैसे उसका रेजिस्टेंस पता करना, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका यूनिट क्या होता है, चलो ये इसका यूनिट पावर, इलेक्ट्रिकल यूनिट वाट होता है सबको पता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो वन वाट क्या होगा, वन वोल्ट इंटू वन एम्पियर। तो कब बोलेंगे कि पावर कंज्यूम्ड किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वन वाट है, डेफिनेशन, व्हेन वन एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू दिस कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स सेंस, कितना वोल्ट, वन वोल्ट, ठीक है। तो वन पावर, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वन वाट व्हेन वन एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट, जो इसके एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया आपने। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट ए की बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली ई बोल दो या एच बोल दो, ए की बात है, तो जो एच के फॉर्मूले थे वो ई के लिए लग जाएंगे, सिंपल आई स्क्वायर आर टी, दूसरा बताया था मैंने वी आई टी, तीसरा बताया था मैंने वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये तीनों इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो तीनों फार्मूले जो हैं आपके वो यहाँ लग गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली मीन्स एच, जो अभी बताया मैंने उस कंडक्टर में, सो इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर व्हेन करंट आई फ्लोस थ्रू इट फॉर टाइम टी, फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर टी, ठीक है जी। तो आपका आ जाएगा,
सो अब इसके बाद है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने आपको अभी बताई, इसका जो यूनिट होता है वो जो उसके कमर्शियल यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे आपके, ये तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पर एक हो जाएगा 1 वाट आर, 1 वाट आर पावर, मतलब बेसिकली जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी जो है बेसिकली वो पावर इनटू टाइम ही है, देखो ये पावर है बताया मैंने, और इनटू टाइम है देखो पीटी, ठीक है। तो पावर को 1 वाट बोल दिया देखो, ठीक है। तो पावर को यदि मैं 1 वाट बोल देता हूँ तो टाइम कितना लिया मैंने, 1 आवर। तो कब बोलूँगा मैं कि 1 वाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, जब 1 वाट का सोर्स कितनी देर चलाया मैंने, 1 घंटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 1 वाट आवर, फैन ए सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इज यूज फॉर वाट, यूज फॉर वाट टाइम, फॉर 1 आवर, ठीक है। सो एक बिगर यूनिट होता है इसका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर में आपने इस किलो, इस वाट की जगह 1 किलो बोल देना, आपने 1 किलो वाट बोल देना है देखो, और टाइम वही लेना है 1 घंटा। तो पावर कितनी है आपके 1 किलो वाट, और कितना टाइम के लिए यूज़ होना है, ये पावर डिवाइस की है 1 किलो वाट और 1 घंटे के लिए यूज़ करो, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई 1 किलो वाट आवर। तो पावर, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेट टू बी 1 किलो वाट आवर व्हेन ए सोर्स ऑफ 1 किलो वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे चलाना आपने 1000 वाट का सोर्स, ठीक है। बोलेंगे मान लो कि 1000 वाट हो गया, जैसे मान लो हीटर चला रहे हैं आप, तो हीटर में जो कॉयल है वो बेसिकली 1000 वाट का ही होता है, ठीक है। तो 1000 वाट 1 घंटा उसको ऑन रखी है, किलो वाट का मतलब 1000 वाट ही हो गया है ना। तो 1 घंटा चलाएंगे तो हम बोलेंगे कि 1 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये 1 किलो वाट आवर ही बोलते हैं हम, जो सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलो वाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जितने भी आपके घरों में बिजली के बिल आते हैं ना, वो 1 यूनिट कंजम्पशन का रेट होता है पर यूनिट, ये 1 रुपया है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, ठीक है। तो पर यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है, ये वो यूनिट 1 किलो वाट आवर, ठीक है। मतलब 1 किलो वाट पावर कंज्यूम कर लो 1 घंटे में, तो आपका 1 यूनिट बिजली का कंज्यूम हो गया, ठीक है। जैसे ये मान लो 1 किलो वाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, 1000 वाट मतलब 100 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटा चलाने, तो 1 यूनिट कंजम्पशन हो गया आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, ये बोलने का मतलब, ठीक है। उसी हिसाब से आपका जो मीटर रीडिंग है वो ली जाती है, और फिर आपको जो भी बिजली के बिल वगैरह वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो इसको 1 किलो वाट आवर मीन्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको BOT भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड इसको, ठीक है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन, 1 किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी है बेसिकली, मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यदि ये, तो फिर यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो फिर एनर्जी का तो जूल होता है, तो 1 किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। किलो का मतलब क्या होता है, 10^3, कन्वर्ट 1 किलो वाट आवर इंटू जूल ये लगेगा हम करने, ठीक है। और वाट क्या बताया मैंने, मैंने बताया पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। पावर का हो गया वाट, एनर्जी का हो गया जूल, पावर क्या बताई मैंने, ई अपॉन टी बताई, ठीक है। सो जूल पर क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, एनर्जी का जूल एंड टी का सेकेंड, तो जहाँ W दिखेगा 1 वाट, वहाँ लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, तो दिख रहा है मेरे को ये, तो इसकी जगह लिखेंगे जूल पर सेकेंड। और ये आगे 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने होते हैं अभी मिनट, 60 मिनट होते हैं, सेकेंड कितने हो गए, 3600, तो 3600 सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 3600 × 10^3 जूल, ठीक है। इसका आंसर ले सकते हैं 3.6 × 10^6 जूल, और इसका आंसर ले सकते हैं 3.36 × 10^5 जूल, तो याद रखें आप, ठीक है, तीनों याद रख लें, एक ही बात है। तो 1 किलो वाट आवर एनर्जी, 1 किलो वाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स कितनी एनर्जी जूल में, तो 1 किलो वाट आवर से आपने जूल में कन्वर्ट करना है यदि, तो आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना इससे, या इससे कर देना, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये था, उसके बाद है कि आपका तो एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, और जो न्यूमेरिकल है बेसिकली वो है कि आपने ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका
ठीक है, उसका रेजिस्टेंस पता करो, ठीक है, और उसका मैं करंट कितना फ्लो करता है, ठीक है, मतलब 100 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे चलते हैं सभी, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो मैंने बताया कि बल्ब के लिए जो पावर का फॉर्मूला है वो V²/R लगाएंगे आप, ठीक है, यहाँ से R निकाल लो, तो R हो गया, यहाँ से इनको एक्सचेंज करिए V²/P, तो V दिया आपको देखो कितना वोल्ट है, 220, और P भी दे दिया आपको 100 वाट, तो रेजिस्टेंस का यहाँ से पता लग जाएगा, 220 का² / P, और P 100 है, तो 484 के करीब आ जाएगा ओम में, ठीक है, तो ये ओम में आपने लिख देना है आंसर, ओम में आ जाएगा, ठीक है, ओम ओ एच एम। और करंट के लिए फिर ओम जोल करो, V=RI, तो I निकाल लो यहाँ से, I=V/R, ठीक है, तो ऐसे ही निकल सकता है, ठीक है जी, तो करंट यहाँ से फिर आंसर जो एम्पियर में आ जाएगा। तो इससे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि दो बल्ब दिए हैं, एक 100 वाट का है और एक आपका 60 वाट का है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मैंने बताया जो रेजिस्टेंस होता है, वी तो फिक्स है 220 वोल्ट आएगा, 760 वाट वाला भी 220 वोल्ट पे चलेगा, 100 वाट वाला भी 220 वोल्ट पे चलेगा, क्योंकि सप्लाई जो घरों में आ रही है वो कितने वोल्ट की आती है, एसी सप्लाई, ठीक है, 220 वोल्ट होता है, उसकी जो वर्चुअल वैल्यू होती है वो 220 वोल्ट ही होती है ना। तो ये है कि जो रेजिस्टेंस है बल्ब का वो होता है V²/P, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो जिसकी वोल्टेज, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मैंने पूछा ज़्यादा किसका है, तो जिसकी पार्ट, जिसकी पावर कम है, पावर ये देखो 60 है यहाँ इस बल्ब की, मान लो बल्ब ए है, वी है, बताओ किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी पावर कम है, देखो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो 60 वाट वाले बी बल्ब की 60 वाट है ना, बी बल्ब, और ए बल्ब उसका कितना वाट है, 100 वाट, तो बी बल्ब की जो पावर है वो कम है, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा 60 वाट वाले का वो ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट वाले का, समझे। सर जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल है, तो उसका एक छोटा सा और करते हैं, वो है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, कि मान लो आपके पास जैसे सपोज करिए कि 1000 वाट का हीटर है, ठीक है, 220 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है, 1000 वाट का हीटर 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो कितना चार्ज भेजेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा इसमें 2 मिनट में, इसके कॉयल में, ठीक है, कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन 2 मिनट्स टू द कॉयल ऑफ ए हीटर हैविंग पावर 100 वाट एंड इट इज़ ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट। सो सिंपल, यहाँ से आप क्यों पूछ रहा है ना, तो पहले तो आप देखो ये पी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ, वी, तो पी वी दिया हुआ था, आपको बताया मैंने P=2 क्या होता है, वी आई, ठीक है, आई निकाल लो, I=P/V, तो यहाँ से आई आ गया पी, पी मीन्स वोल्टेज 1000 220, तो जितना भी है यहाँ से एम्पियर में आंसर आ जाएगा करंट का, ठीक है जी। अब आपको कितना चार्ज, अब आपको पता है I=2 क्या होता है, Q/T, I=Q/T होता है ना, ये आ गया I=Q/T, तो Q यहाँ से निकाल लो, Q=IT, तो I आपको ऊपर निकाला, ये साई की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, और टी जो है वो इसी के लिए कितने मिनट दिया हुआ, 2 मिनट, 2 मिनट दिया हुआ, तो फिर इसके कितने सेकंड बन जाएंगे, आई यहाँ पुट कर लेंगे और टी के बन जाएंगे, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120, और फिर क्यू जो कूलों में आ जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू आपने ये भरनी है, ये वाली, तो मिलेगा 1000/220 × 120, इतना कूलम चार्ज फ्लो करेगा उसकी कॉयल में 2 मिनट में, ठीक है। जरूरी क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हैं। नोट्स में आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा, वो है कि वही एक रजिस्टर आपका एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब जो प्रेस यूज़ करते हैं हम घरों में कपड़े इस्त्री जो होती है, इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में प्रेस बोल देते हैं, कपड़ों को इस्त्री करना। तो इलेक्ट्रिक आयरन मान लो उसके कॉयल का रेजिस्टेंस 100 ओम है सपोज करिए, ठीक है, सो सपोज इसमें 15 एम्पियर करंट चल रहा है, 15 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट, तो बताइए कि 2 मिनट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा ये kWh में, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ पूछ लिया मैंने, इलेक्ट्रिक आयरन के कॉयल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, 15 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है,
टू मिनट्स में ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में नहीं निकालनी, पहले हम जूल में निकालेंगे फिर उसको कन्वर्ट करेंगे 1 किलोवाट आवर में। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और आई की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, 15 स्क्वायर, आर की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 2 मिनट, 2 मिनट 21 20 सेकेंड्स। तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा जूल में, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो बेसिकली होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। 1 जूल कितना होगा फिर, एक जूल हो जाएगा 1/3.6 × 10⁻⁶ किलोवाट आवर, ये आ जाएगा। मतलब जूल से आपने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 1/ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, या डिवाइड करना है इस नंबर से, ऐसे रख लो। ये जूल में आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इस जूल में आंसर आ चुका है तो इसको बदलो आप किस में, इसको बदलो आप किलोवाट आवर में, तो ये बन जाएगा देखो, तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू ये आ गया 225 × 15 × 100 × 120, चलो इनको ठीक है। अब ये जूल था तो जूल को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोवाट आवर में, तो जूल से किलोवाट आवर में जाना है तो आपने क्या करना है, जूल से किलोवाट आवर में जाने के लिए, जूल से किलोवाट आवर में जाने के लिए आपने ये करना है, ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपने इस नंबर से डिवाइड करना है, देखो नीचे 1/ तो आएगा नीचे नंबर 3.6 × 10⁻⁶। अब जो एनर्जी जो जूल में थी ये देखो वो आपकी बाय यूजिंग दिस ये आपकी किस में कन्वर्ट होगी, सारी की सारी किलोवाट आवर में। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपका थोड़ा सा पीडीएफ दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो जो आपका पीडीएफ है बेसिकली वो ये है। सो ये है आपका पीडीएफ, क्या क्या किया हमने अभी ये देख लेते हैं। ये आ गया। सो अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर की तुलना में टू मेजर ईएमएफ, ठीक है, या टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बताया नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, ईएमएफ पड़ेगा और जो वोल्ट मीटर है वो बेसिकली ड्रॉ करेगा सेल से, पोटेंशियल मीटर नहीं करेगा, तो फिर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेगा ये वाला और ये वाला जो ईएमएफ पड़ेगा, ठीक है। और ई जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, ग्रेटर होता है वी से, ठीक है। इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, जिसने ये पढ़ा, ये किसने पढ़ा, पोटेंशियल मीटर ने, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर ने पढ़ा था, थोड़ी सी लेस वैल्यू पड़ेगा। और उसका पोटेंशियल मीटर मैंने बताया कि लंबी पायर बड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, जिसकी के कम होगी, और के किसकी कम है, जिसके लिए कर्व ओ बाई आया हुआ है, यहाँ ओ लिख लें, ओ नहीं लिखा, ठीक है। अगर जूल हीटिंग इफेक्ट मैंने बता दिया आपको, h = y²rt, ठीक है, और h = y²rt बताने के बाद फिर मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए इसके ऊपर, ठीक है। ये टी लिखा है, टी है ना, और फिर इलेक्ट्रिक पावर बताई मैंने, टी को हटा देंगे एच से, दी टी हटा देंगे h/t, टी हट गया तो 3 फॉर्मूले ये बन गए, देखो 1, 2, 3। और बल्लभ के लिए मैंने बताया ये फॉर्मूला लगता है, याद रखना, बल्लभ का रेजिस्टेंस निकालना है आपने तो, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही होती है जो हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, इसके आर डी, और इसका जो यूनिट है बेसिकली 1 वाट आवर हो गया, 1 किलोवाट आवर ये मेन है, इसी को 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और 1 किलोवाट आवर जो है बेसिकली वो 1 किलोवाट पावर का सोर्स, यदि 1 घंटे के लिए यूज़ हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई वो हुई 1 किलोवाट आवर, ठीक है। फिर इसकी रिलेशन निकाली तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, ये देखो 3.6 × 10⁶, उसके बाद फिर हमने ये न्यूमेरिकल की है इसके ऊपर, ये चार्ज मेडिकल जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। ये एनर्जी कंज्यूम देखो जूल में आई थी, फिर जूल से किस में कन्वर्ट हुआ, किलोवाट आवर में, तो इस नंबर से डिवाइड हुआ, ठीक है। सो
उसके लिए फिर। सो आज के लिए इतना ही, ओके देन।